हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों हमारे चैनल पर करंट अफेयर और जीके की वीडियो डेली अपलोड होती है। डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मुमताज महल का असली नाम था? आंसर है अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया? आंसर है पारसियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह के बचपन का नाम था? आंसर है फरीद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? आंसर है बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? आंसर है औरंगजेब और दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ? आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? आंसर है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है? आंसर है इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? आंसर है सूफी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफी में कौन संगीत है के विरुद्ध था? आंसर है नक्शबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है? आंसर है कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? आंसर है पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया? आंसर है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? आंसर है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? आंसर है अशोक। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।